ASN24 पल पल की खबर। पत्रकार होने की धमकी देकर मुकेश दास मानिकपुरी नामक व्यक्ति का भया दोहन करने वाले टीम कथित पत्रकार पुलिस की पकड़ में आ गए हैं। प्रार्थी ने शिकायत की थी कि आरोपियों ने 5,000 रुपयों की मांग की थी। पैसे नहीं देने पर गलत खबर चलाने की धमकी देकर 2,000 रुपए भी ले लिए। मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया और तीनों कथित पत्रकार को पकड़ लिया। थाना शिवरी नारायण में दिनांक 23/10/2020 को मुकेश दास मानिकपुरी वार्ड क्रमांक 1 शिवरी नारायण का एक शिकायत पत्र पेश किया था, जिसमें बताया था कि यह बेजा कब्जा में वार्ड नंबर 1 में घर बना रहा था, जिसे 23/10/2020 को ही सत्य ओम प्रकाश भगत एवं उसके साथ शुभम मिश्रा और रवि यादव मीडिया का आदमी हूँ कहकर तुम्हारा वाइट लेना है और तुम्हारे घर को गिरवाना है, तुम बेजा कब्जे में बनवा रहे हो, शासन से हम गिरवाएंगे, ऐसा कहकर उसे भयभीत करते हुए 5,000 रुपये की मांग किया, जिसमें 2,000 रुपये थी। शिकायतकर्ता दास मानिकपुरी 2,000 रुपये नगद दे दिया और 3,000 रुपये बाद में दूंगा कहकर रवाना कर दिया, जो दूसरे दिन से उसको परेशान करने लगे, इसलिए वो थाने में रिपोर्ट किया, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 359-20 धारा 384-34 IPC पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकरण में आज दिनांक 31/10/2020 को तीनों आरोपी सत्यम प्रकाश उर्फ भगत, शुभम मिश्रा तथा रवि यादव निवासी सभी शिवरी नारायण को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण अजमानती होने से रिमांड पर न्यायालय भेजा गया। इसी तरह से श्रीमती सरिता यादव की रिपोर्ट पर एक अपराध क्रमांक 361-20 धारा 294-506-452-334 का आरोपीगण सत्य ओम प्रकाश उर्फ भगत तथा शिव नारायण केवट एवं दुमदुम उर्फ राम नारायण केवट के ऊपर में दर्ज हुआ था, जो प्रकरण भी विवेचना पर था। इस प्रकरण में भी सत्य ओम प्रकाश सत्य ओम प्रकाश दुमदुम उर्फ राम नारायण एवं शिव नारायण केवट को भी आज ही गिरफ्तार किया गया है और दोनों प्रकरण में रिमांड तैयार करके माननीय न्यायालय JMFC पामगढ़ के रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण दोनों अजमानती थे, इसलिए गिरफ्तार कर आरोपियों से न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24।